गाइज, अगर आपके भी जो फेसबुक मैसेंजर है उस पे कॉल्स का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता, चाहे वो वीडियो कॉल हो चाहे वो वॉइस कॉल हो, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे जो है वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दोनों ऑप्शन आ रखे हैं, बट किसी किसी मैसेंजर में ऐसा होता है, किसी किसी मोबाइल में ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे में आप कैसे इन ऑप्शंस को, कॉल वाले ऑप्शंस को लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा और 101% आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो ही जाएगी। बट यार, यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट में अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोल रहा है, आपकी मर्जी है, चाहे करें चाहे ना करें। और यार, एक जो है वीडियो से अगर आपकी जितनी भी हेल्प हुई है उसे आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। जो बाकी ऑडियंस आती है वो पहले कमेंट पढ़ती है, बाद में वीडियो देखती है, क्योंकि लोगों को यार वीडियो से ज़्यादा कमेंट्स पे जो है भरोसा होता है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको कैसे इसे सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर देना है, एंड यार यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है मैसेंजर, ठीक है। तो मैसेंजर सर्च करेंगे, अगर आपके मैसेंजर में कोई अपडेट आ रखा होगा तो आप मैसेंजर को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाहर निकलना है, यहाँ पे अब आपका जो मैसेंजर ऐप है उस पर 1 सेकंड के लिए दबा के रखना है। तो उसके बाद आपको एक ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आई बटन देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक कर देना है, एंड अब यहाँ पे इसे आपको फोर्स स्टॉप करना है। सबसे पहले फोर्स स्टॉप करने के बाद स्टोरेज एंड कैच पे आएंगे, क्लियर कैच करेंगे, क्लियर स्टोरेज या क्लियर डाटा मिल सकता है उसे भी कर देंगे। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे, और बैक करने के बाद आपको वापस में अपना जो फेसबुक मैसेंजर है उसे ओपन करके देखना है, आपका जो है उस पर कॉल्स के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। बट अगर फिर भी कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं, सभी कंपनी के अलग अलग मोबाइल होते हैं, तो सभी ट्रिक सभी मोबाइल में वर्क नहीं करती, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, उसके लिए आपको जो आपका फेसबुक मैसेंजर है उस पर इस तरीके से दबा के रखेंगे, और यहाँ से आपको इसे अनइंस्टॉल कर देना है मैसेंजर को, और नए सिरे से आपको प्ले स्टोर से जाके मैसेंजर को इंस्टॉल कर लेना है। देन यहाँ पे आप अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन करेंगे इसमें, तो 100% 101% मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि आपके जो मैसेंजर के अंदर है कॉल्स के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे।